इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कवर कर चुके हैं। हार्ट की जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं हम ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को क्योर कैसे करते हैं, कौन से ड्रग्स हैं जो इसको क्योर कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो ड्रग्स यूज होने वाले हैं वो है डायुरेटिक्स, ACE इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, डिजिटेलिस, सैकोबिट्रिन या वाल्सार्टन। ठीक है, तो डायुरेटिक्स में आएगा फिरोसिमाइड, स्पायरोलैक्टोन। डायुरेटिक्स करते क्या है, डायुरेटिक्स हेल्प्स रिड्यूस्ड फ्लूइड बिल्डअप इन द बॉडी। फिर आता है हमारे पास ACE इनहिबिटर्स, इसके एग्जांपल है लिज़नोप्रिल, इनालप्रिल। ACE इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ACE इनहिबिटर डायलेट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को एंड रिड्यूस कर देते हैं स्ट्रेन ऑन द हार्ट। हार्ट का जो स्ट्रेन है उसको रिड्यूस कर देंगे और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे। बीटा ब्लॉकर्स में क्या होते हैं, मेटोप्रोलोल और कार्बिडिनोल, ये ड्रग्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम है, ये हेल्प करते हैं स्लो द हार्ट रेट, हार्ट रेट अगर हाई हार्ट रेट जा रही है उसको नॉर्मल रेंज में लाते हैं, डिक्रीज इट्स वर्कलोड और उसपे जो भी वर्कलोड आ रहा है उसको ये कम कर देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। फिर आता है हमारे पास एंजियोटेंसन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, इसके अंदर आते हैं वाल्सार्टन, लोसार्टन। एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर्स रिड्यूस करते हैं स्ट्रेन ऑन द हार्ट। फिर हमारे पास आएगा डिजिटेलिस, डिजिटेलिस में जो ड्रग यूज होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में वो है डिजॉक्सिन। डिजिटेलिस क्या करते हैं, कैन इंप्रूव द हार्ट्स पंपिंग एबिलिटी, इसमें जो हार्ट में जो ब्लड पंपिंग होता है उसकी एबिलिटी को ये इंप्रूव करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास लास्ट सैकोबिट्रिन, वाल्सार्टन, ये क्या करते हैं, ये भी हार्ट के ऊपर जो स्ट्रेन होता है उसको रिड्यूस करते हैं और ये हेल्प करते हैं रिलैक्स ब्लड वेसल को।